हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजिता श्रीवास्तव। तो आज है थर्सडे और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड मैं यहां पे बस डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूं। मटर रखी हुई थी तो मैं वही छील रही थी। मैं ऐसे ही इकट्ठा मटर सारी छील के फिर फ्रिज में रख देती हूं, तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है कुकिंग में कि जब भी बनाना हो बस मैं तुरंत निकाल लेती हूँ दाने उसके। आंवला काट रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं आंवले की चटनी इकट्ठा बना के रख देती हूँ, तो ये 250 ग्राम आंवला है, इसे मैं इकट्ठा इसकी चटनी बना के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ये मेरा 2-3 हफ्ते आराम से चलता है और हेल्दी भी बहुत होता है खाने में। इनकी प्रिपरेशन करने के बाद मैंने कर लिया शाम वाली पूजा। तो आज डिनर में बनेगा सिंपल सी खिचड़ी क्योंकि कल हम लोग का फास्ट है, तो फास्ट के पहले हम लोग बहुत ही हल्का खाना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए आज मैं सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है एंड उसको थोड़ा सा हम पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं उसमें 2 पिंच लगभग हींग डाल दूंगी एंड उसके बाद मैं इसमें प्याज और लहसुन का तड़का डाल रही हूँ। देन इसको हम अच्छे से पका लेंगे और फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार तीखा आप डाल सकते हैं। जैसे ही तड़का पक जाएगा मैं इसमें टमाटर काट के डाल दिया है मैंने, और टमाटर भी आप ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर मैंने टमाटर में ही थोड़ा सा नमक डाल दिया है। टमाटर में नमक डालने से ये होता है कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो बस मैंने टमाटर में नमक डाल के ढक दिया था 1 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर कितनी अच्छे से मैश हो गया है, गल जाता है नमक डालने की वजह से। तो बस अब इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था इसके लिए नहीं डाला, तो आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा ज़रूर 1 चम्मच धनिया पाउडर। देन मैं इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी भी ऐड कर दे रही हूँ, तो मैंने इसमें आलू डाला है, हरी मटर डाली है, थोड़े से गोभी के पीसेस भी डाल दिए हैं। बस इन्हें थोड़ा सा भून लूँगी लगभग 1 मिनट, फिर मैं इसमें दाल चावल ऐड कर दूँगी। तो मैंने अरहर की दाल ली है और चावल लिया है, आप चाहें तो कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग दाल या चना दाल, जो भी आपको पसंद हो। देन इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट तक, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि खिचड़ी ही थोड़ी गीली ही अच्छी लगती है, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ। देन हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे एक बार, क्योंकि नमक पहले पड़ा था, अगर कम होगा तो मैं इसमें और नमक ऐड कर दूंगी। उसके बाद फिर हम इसमें बस 1 सीटी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमको। 1 सीटी में खिचड़ी एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है, बस 1 सीटी आई थी इसमें, उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था। देन जब इसका पूरा गैस निकल गया तब मैंने इसे खोल, खिचड़ी बनकर रेडी है। ये देखिए, देखने में बहुत यम्मी दिख रही है एंड खाने में भी थी। उसके साथ मैंने आंवले की चटनी ली है एंड प्याज लिया है। तो यही है हमारा आज का यम्मी सा डिनर। तो डिनर करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि कल शिवरात्रि है ना तो हमें फास्ट रखना है, तो इसलिए मैं किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी, टाइल्स वगैरह सब, ताकि सब अच्छे से साफ़ हो जाए, छींटे वगैरह पड़ जाते हैं खाने के, इसलिए मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे मैं रोज़ रात में साफ़ करती हूँ, बट टाइल्स हफ्ते में 1-2 दिन ही साफ़ करती हूँ, तो कल फास्ट इसलिए मैं अच्छे से पूरा किचन हो गया है हमारा किचन एकदम अच्छे से क्लीन। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज है फ्राइडे की सुबह और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज महाशिवरात्रि है, तो हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो बस अभी यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम लोग बेड पे ही बैठ के खाना खा लेते हैं, तो इसलिए मैं फास्ट में ज़रूर बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ मैं, और भी मुझे बहुत सारे काम है एंड उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है। तो चलिए मैं फटाफट पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर चलते हैं मंदिर।
तो सारे काम निपटाने के बाद मुझे याद आया कि मैं साबूदाना भिगो दूँ, क्योंकि शाम को मैं साबूदाने का ही कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना ले लिया है जितना मुझे चाहिए था, देन उसमें पानी डाल दिया है। इसे हाथ से अच्छे से मल के मैं एक बार वॉश कर लूँगी ताकि अच्छे से थोड़ा सा साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं इसका जितना पानी था वो सब मैंने निकाल दिया है, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे फिर से। तो देखिए जितना पानी मैंने डाला है, मैं उंगली से दिखा रही हूँ, साबूदाने के इतने ऊपर तक पानी रहना चाहिए। इतना पानी डालकर हम इसे ढक कर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। एंड 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छे से फूल कर एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, खिले खिले से। एंड मैंने ये पैकेट वाला साबूदाना यूज़ किया है, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। हो गई हूँ नहा धोकर, रेडी बिल्कुल। एंड ये वाला सूट पहना है मैंने आज, येलो येलो। एक्चुअली कहते हैं ना शिव जी के व्रत में येलो पहनना चाहिए, तो बस वही पहना है मैंने। पर अभी बस मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि घर के कामों में बहुत देर हो गई, 11:30 बज रहे हैं, मुझे फटाफट से मंदिर जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं। एंड वही वाले मंदिर में जाऊँगी मैं जहाँ उस दिन हम लोग गए थे। तो आपने अगर देखा होगा मेरा पूजा ब्लॉग, तो हम लोग गए थे उद्यापन करने के लिए मंडे वाला, तो वही वाले मंदिर में जाऊंगी मैं, घर के पास में है। तो फिर चलिए फटाफट से चलते हैं मंदिर। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक दो क्लिप डाल दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे उस दिन तो ये थे, तो इस वजह से इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था मैं पूजा करी थी। आज तो ये ऑफिस चल गया है, वीक डे है, तो मैं अकेली ही रहूँगी। तो देखते हैं अगर एक आध क्लिप हो पाएगी तो मैं ले लूँगी, पर आज भीड़ भी हो सकता है हो मंदिर में, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो भी चलिए चलते हैं मेरे साथ मंदिर शिव जी के दर्शन के लिए। तो गाइज चलिए चलते हैं मंदिर फटाफट से। मैंने बाल कंघी भी नहीं किए हैं, बस ऐसे क्लच लगा लिया, क्लच कर लिया है बस, क्लचर लगा के। तो चलिए फिर। तो गाइज आ गई हूँ मैं मंदिर, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड ये देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं इधर उधर। शिव जी के दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए एकदम पूरे ढक गए हैं शिव जी आज अपने भक्तों के फूल माला से। अपने नंबर का वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आया, कब मैं पूजा करूँ जा कर के। करने में बहुत देर हो गई क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, सब लोग बैठ बैठ के वेट कर रहे थे। हो गई मेरी पूजा, पूजा हो गई एंड मैं वापस जा रही थी। एंड सॉरी मैं पूजा करते टाइम एक भी क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि पीछे लाइन लगी हुई थी, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं बाहर से ही आप लोग को दिखा दे रही हूँ पूरा मंदिर, कुछ ऐसा है ये मंदिर। आ गई हूँ मैं मंदिर से, और अभी पता है कितने बजे, 1:30 बज रहे हैं। मतलब मैं 11:30 बजे गई थी और 1:30 बजे आई, तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबी लाइन थी। तो थक गई हूँ बहुत मैं, सुबह से सिर्फ एक कप चाय पिया है मैंने, कुछ भी नहीं खाया है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे भूख से ज़्यादा ना सुस्ती जैसे जैसे लग रहा है कि एकदम मैं चुपचाप बैठ जाऊँ बस, कुछ भी ना करूँ। तो मैं फटाफट से कुछ खा लेती हूँ यार, क्योंकि अभी ना मुझे प्याज भी बहुत लगी है एंड भूख भी लगी है। तो चलिए मैं कुछ बनाती हूँ अपने लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में फटाफट से, क्योंकि भूख बहुत देर लगी है। एंड मैंने ना ये कुटू की कचौड़ी बनाई थी और दही आलू, ये एक्चुअली सुबह इनके लिए बनाया था, ये इनका भी फास्ट है ना, तो इनके लिए बनाया था, तो अपने लिए रख दिया था मैंने कि जब भी मैं खाऊंगी तब फ्राई करूंगी। एंड इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैंने व्रत की थाली करके पूरा मतलब शेयर किया था अभी एक दो तीन महीने पहले। तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत इजी है एंड बहुत टेस्टी लगता है, ये कूटू की कचौड़ी है, ये बहुत अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी बनती है, तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। एंड ये दही आलू भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ दही, फिर खाती हूँ, बहुत भूख लगी है यार मुझे। अच्छा लग रहा है, तो गरम गरम बनाया था ना, तो और अच्छा लग रहा था, ऊपर से भूख भी लगी थी।
तो खा लिया मैंने, और इनको भी सुबह ही बना के दे दिया था, लंच में भी वही दे दिया था पूरी सब्जी व्रत वाली, इसीलिए बनाया ही था, नहीं तो सुबह में पूरी सब्जी मैं अगर मैं खुद अकेली होती तो नहीं बनाती, बट इनको भी देना था इसलिए मैंने बना दिया। और सॉरी, तो शाम को मैं साबूदाना मैंने भिगाया है, एंड उसको कैसे भिगाया जाता है, जैसे बहुत लोग होता है ना कि साबूदाना भिगाते हैं तो लिबलिबा सा हो जाता है, पर मैं जैसे भिगाती हूँ ना उससे एकदम फ्रेश साबूदाना होता है, फूला फूला सा एकदम अच्छा सा, गीला बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो ट्रिक मैंने दिखाया आप लोगों को कि कैसे इसको भिगाना है, इस तरह से आप भिगा के देखेंगे ना तो साबूदाना बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। एंड कोशिश करिए कि आप पैकेट वाला लीजिए, क्योंकि जो खुला वाला होता है ना वो थोड़ा सा कम अच्छा होता है, एक बार मैंने लिया था तो वो मैंने भिगाया था बट वो उतना अच्छा नहीं था, तो ये जो पैकेट वाला आता है ना ये काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं तो पैकेट वाला ही यूज़ करती हूँ, तो इसको भिगाने में बहुत अच्छे से फूल जाता है और एकदम खिला खिला सा हो जाता है। तो फिर देखते हैं क्या बनाते हैं शाम को, खिचड़ी बनती है या फिर साबूदाने की टिक्की बनती है, अब ये आएंगे हस्बैंड ऑफिस से तो जो कहेंगे वही बनेगा, तो मैं शेयर करूँगी वो आप लोग के साथ, क्योंकि अभी मैंने साबूदाने की रेसिपी नहीं शेयर करी है। एंड ये जो अभी मैंने कुट्टू की कचौड़ी और दही आलू खाया ये तो मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ, पूरी थाली मैंने शेयर की, खीर भी, रायता भी व्रत वाला, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी व्रत की थाली का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो भी चलिए अब 2 बज गए हैं, मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई, सुबह से बहुत काम था, कि हो जाता है ना पूजा में, पूजा जब कोई होता है तो लगता है कि घर एकदम साफ सुथरा कर दो, तो सब कुछ कर दिया मैंने, बेडशीट भी चेंज कर दिया, घर भी झाड़ू पोछा सब हो गया, एंड किचन मैंने रात में ही साफ कर लिया था, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, थोड़े बहुत बर्तन है वो मैं शाम को धो लूँगी, अभी मैं करूँगी आराम। तो चलिए फिर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद क्या, मैं शाम को ही मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी शाम हो गई है, तो मैं अपना साबूदाना दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूला है ये साबूदाना, क्योंकि बहुत लोग भिगाते हैं ना तो अच्छे से नहीं भीगता, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आप पैकेट वाला साबूदाना अगर आप यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुला वाला इतना अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से फूल गया है ये साबूदाने की टिक्की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उबले आलू ले लिए हैं मैश करके, और उसमें धनिया मिर्ची और अदरक डाल दिया है, एंड ऊपर से मैं ये साबूदाना डाल दूंगी। एंड आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा या कम, वैसे साबूदाना ज़्यादा पड़ता है ना आलू कम पड़ता है। तो ऊपर से मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, खड़ा ज़ीरा आधा चम्मच लगभग, एंड इसमें मैं थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी डाल दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। एंड सबको अच्छे से मैश कर देंगे, और आप चाहें तो इसमें मूंगफली भून के उसको हल्का सा दरदरा करके इसमें डाल सकते हैं, पड़ता भी है बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है ज़्यादा मूँगफली, इसलिए। तो बस इसमें मैं नमक डाल दूँगी, ये व्रत वाला नमक है, सेंधा नमक, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा ये पेस्ट तैयार है टिक्की का, एंड बस हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे इस तरह से, और मैं इसे अप्पम पात्र में बनाऊंगी, क्योंकि उसमें बनाने से बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगा, क्योंकि सुबह मैंने ना कचौड़ी बनाई थी कूटू की, तो इसलिए मैं शाम को कम ऑयली बनाऊंगी। तो बस इस तरह से मैं इसको शेप दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अप्पम पात्र रख दिया है गर्म होने के लिए, एंड इसमें मैं थोड़ा सा घी ब्रश कर दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाना है। तो इसके बाद बस इसमें ऑयल लगाने के बाद मैं इसमें ये टिक्की डाल दे रही हूँ सारी। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, ये डीप फ्राई करके ही बनता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बनाया, अप्पम पात्र में बनाने से बहुत कम तेल में बन जाएगा। तो बस इस तरह से हम इसे खोल के ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं, एंड थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं और ब्रश कर दे रही हूँ साइड साइड से। तो देखिए ये सारे मैंने पलट दिए हैं, तो कितने अच्छे से पक रहा है आपको दिख रहा होगा, एंड खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, तो आप ट्राई करिएगा एक बार, बहुत यम्मी लगेगा आपको। तो बस इसी तरह से पलट पलट के हम इसे पका लेंगे दोनों तरफ से। तो हमारे अप्पे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और ऊपर से ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं इसमें सेकने से, मीडियम फ्लेम पे इसको सेकिए तो बहुत अच्छे बनते हैं।
तो बस हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से, और बस चटनी के साथ, इसे व्रत वाली चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए और खा के देखिए बहुत टेस्टी लगता है ये वाला अप्पे। तो इसी तरह से मैं और भी बाकी के अप्पे बनाकर रख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। डिनर हो गया और खाना खाने के बाद मैं रोज़ ब्रश ज़रूर करती हूँ, तो आप लोग भी किया करिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है ये, एंड बच्चों को भी कराया कर। तो ब्रश कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं एक बार फेस वॉश ज़रूर कर लेती हूँ रात में सोने से पहले, ताकि जितनी चेहरे की गंदगी है सब निकल जाए। तो बस मैं अच्छे से फेस को वॉश करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहीं पर, और बस कल वीकेंड है, सैटरडे संडे दो दिन, तो बहुत अच्छा लगेगा। रात में अच्छा लगता है क्योंकि सुबह देर से सो के उठना होता है, एंड दो दिन एंजॉय करेंगे हम लोग। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए मेरा वीडियो। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, बाय।